देख सकते हैं बच्चे हमारे साथ जमीन कर रहा है। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम। चलो चलो रनिंग करो, रनिंग करो, एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, चलो रनिंग करो, रनिंग करो। बच्चे हमारे साथ हैं, कहें भट्ठा घूमने के लिए आए हैं लोग। हम देखिए कब तक भट्ठा चालू होता है। आज देखिए फ्रेंड मिले हैं, 6:40 हो चुका है। हम लोग देखिए चल रहे हैं बगल के, अभी ठंड है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, कहता आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज संडे है, यानी कि इतवार है, आप बच्चों का छुट्टी है। कल तो रविवार दैनिक था, जयंती शनिवार को, आज रविवार है। तो आज बच्चे चल रहे हैं हमारे साथ घूमें मराठी सीमान पर। सुबह सुबह हम लोग मेहनत करेंगे और रनिंग करके दौड़ेंगे। और देखिए वहाँ से तैयार हो गया है, हम कुछ जूता पहन रहा है, तो हम लोग अभी निकलते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ देख सकते हैं, सारे बच्चे हमारे साथ चल रहे। अरे आदित्य छूट गया क्या जी, सोया है अभी? कहाँ पर? पापा की दवाई की। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं, अभी देखिए गांव में काफ़ी ठंड है, सुबह सुबह इतना ठंड है दोस्तों, ज़्यादा ठंड होता तो बच्चे नहीं निकलते। अभी हम चल रहे हैं अपने मराठी के सुबह खोल के घूमने। आज हम सारे लोग एक साथ रनिंग करेंगे, देखते हैं गाँव की दूरी काफ़ी है। सारे लोग अभी सो रहे हैं, अभी तो 6 बज रहा है। फिलहाल लोग देख सकते हैं शांत है, गाँव भी पूरा शांत है। घोड़ा पता गया है, जल ही हटेगा, फगुआ पाली सब रख दिया जाएगा। अरे साइड चलिए, कुत्ता काट लिया, कुत्ता काटा है, काट सकता है। अभी देखिए कुत्ता इधर बैठा है। गांव में काफ़ी शांति है, सुबह सुबह देख सकते हैं अभी सब लाइट अभी जल रहा है, अभी हल्का फुल्का अंधेरा है। दोस्तों ये हमारा गांव है, हम लोग देखिए इसी रास्ते से जो साइड रास्ता है, ये गांव के बाहर रास्ता जाता है, इधर से इसी रास्ते हम लोग निकल जाएंगे। ये चमरौटी टोला है दोस्तों, इधर देख सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं गाँव के बाहर। हल्का हल्का दोस्तों ठंडा है, इधर देख सकते हैं सारा लाइट जल रहा है। बगल में देख सकते हैं ब्रह्म भोज था, कोई एक्सपायर हो गया था दोस्तों। कहाँ हो गए, कहाँ हो गए, कहाँ रो रहे हो? इधर देख सकते हैं गेहूँ दोस्तों हो गया है, गेहूँ गिर भी गया है। 2-3 दिन पहले दोस्तों आंधी तूफान आया था, हल्का फुल्का बारिश था, अब इससे तो गेहूँ गिर गया है, इसलिए हम लोग चल रहे हैं खेत। सारे बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं दोस्तों, नहीं रो जला दोस्तों, फिर हम कुछ रो रहा है, इसका जूता का डोरा नहीं बांध पाया था तो रो रहा है। अभी अभी इसका जूता का डोरा ही बांध दिया, चूड़ा बेटा रो ना जला। तो दोस्तों देखते दोनों सब गेहूँ गिर गया है, और दोस्तों फसल खराब होने का, अब बढ़िया फसल होगा नहीं, देख सकते हैं हम लोग। देखिए अपने खेत उतरवा चुके हैं, ये हमारा खेत है, देख सकते हैं इसमें पात गोभी है, फूल गोभी है, मूली है, सरसों है, सब कुछ देखिए बोया गया है। हमारा गेहूँ उस साइड है, तैयार हूँ मैं अपना गेहूँ दिखाता हूँ, तैयार है दोस्तों, मार्केट भेजा जाता है। इधर देख सकते हैं सरसों, ये भी अपना ही सरसों है दोस्तों। अब बच्चे आज हमारे साथ चल रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा गेहूँ है, ये हमारा गेहूँ देखिए है, साइड में भी गेहूँ लगा है, छोटा छोटा है। तो पानी जैसे उसमें चला दिया गया था, पानी चलाने के बाद फिर से बारिश हो गया था, कहीं कहीं देखिए हमारा गेहूँ भी गिर गया है। ये फोलन के साइड चल रहे हैं इसी रास्ते, देख सकते हैं कितना पतला रास्ता हो चुका है, और सामने देख सकते हैं ट्रक जा रहा है टेलर। तो दोस्तों गर्मी में पूरा जगह रहता है, देखिए ठंड में पैदल चलने की वजह से फिर पतला रोड हो गया है। इधर देखिए सरसों है, इधर बारसिन देखिए कट रहा है चारा के लिए। हम लोग कोलन में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं बरसात में पूरा भर जाता है, देखिए हम कुछ आराम से बैठा, इधर देख सकते हैं हम, मैं भी अंदर चल रहा हूँ, अब ऊपर चढ़ना है दोस्तों। इधर आ रहा, अब आओ तब ऊपर चलिए, गाड़ी ढेर आता है ना, अच्छे पहले दूसरे पगल आ गए हैं, चलो आ जा लो ना। दोस्तों देख सकते हैं आराम से गिर जाइए, धीरे धीरे आराम से चलो लोन। दोस्तों 20 फीट नीचे हम लोग चल रहे हैं, 20 से 25 फीट होगा, आराम से दौड़ा मत गिर जाइए लोन। दोस्तों बच्चे हैं काफ़ी आराम से, आराम से बाबू, यह देख सकते हैं। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं भट्ठा चल रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी छोटी छोटी भट्टियाँ बन रही हैं। ये हमारा सिवान है, ताल है दोस्तों, देख सकते हैं।
कहीं कहीं पर गेहूँ फूट गया है, आइस साइड देख सकते हैं गेहूँ फूटा है, आइस साइड गेहूँ नहीं फूटा है। बच्चे देखिए सड़की रुका लिया, आगे ना जाइए, इधर देख सकते हैं बच्चे आ गए हैं आरसीसी पीच पर, ये देख सकते हैं ताल में आरसीसी बना हुआ है, ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों 200 से 300 मीटर बना है सिर्फ, बाकी और पकिया है, देख सकते हैं गेहूँ पीला हो गया है, ज़्यादा पानी चलाने की वजह से दोस्तों यहाँ जैसे पानी रुका हुआ है इसलिए गेहूँ देख सकते हैं पीला हो चुका है। अब बच्चे दौड़ते दौड़ते बहुत आगे चले गए हैं, का पेड़ है बच्चे बैल खाने के लिए कर रहे हैं, देखा एक फल बताओ तू देते हैं बाइक को लोग देखियो कांटा हो ये मेन कांटा गड़िए भाग्य हो बनाई में बही नहीं पड़ल भाग्य हो आराम से दोस्तों देख सकते बगल में भट्टा, अब भट्टे के लिए माटी गिर रहा है, लगता है इस साल चालू हो जाएगा आराम आराम से, तो देख सकते भट्टा है अभी देखिए कितना ज्यादा भट्टियाँ हैं, इसके पहले आया था। तो दोस्तों देखिए सारे बच्चे आ गए हैं, ये का है जी, अरे देखो इसमें तो घर बनल बा भट्टिया में घर बनल बा, इधर दोस्तों देख सकते हैं ये है भट्टा दोस्तों, इसी रास्ते देख सकते हैं सब बना हुआ है, अब ये काफी ज्यादा है खींचना है, आप लोग देख सकते हैं भट्टा अभी चालू नहीं हुआ है, हो सकता है एक महीने के अंदर चालू हो जाए, तब तक सब कुछ कट जाएगा, ये देखिए जगह जगह गड्ढा खाना गया है, गिरना गिरना जगह जगह खन कर ये जोड़िया हुआ है, मसाला बना के मट्टी का मसाला बना के जोड़िया हुआ है, आज भी जगह जगह गड्ढा कट दिया गया है, आराम आराम से बाबू। तो दोस्तों ये है हमारे सिवान का भट्टा जो नया भट्टा बन रहा है, अभी ये पिछले 2 साल से तैयारी चल रहा है, अभी तक बना नहीं है भट्टा, आज देखिए कब तक बनता है, ये बहुत सारे ईटा गजा हुआ है, जब वही जगह है जहाँ से हम बलागिन सूरत किया था 4 साल पहले, यहाँ पर कबड्डी होता था, बच्चे ज़्यादा करके आते कबड्डी खेलने के लिए, इधर देख सकते हैं फिर से हम रोड पर आ चुके हैं, पोलिन साइड चल रहा है, देख सकते हैं हम लोग आगे रनिंग करते हुए, तो दोस्तों सामने लोग देख सकते हैं सारे लोग मेहनत मार रहे हैं बैठकर, बड़े बुजुर्ग इधर देख सकते हैं ये नल है, सारे लोग यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं यहाँ पर, मैं ही से पीछे रह गया था, देख सकते हैं सारे लोग आ गए इधर, यहाँ से आगे चल रहे हैं, इधर से बच्चे आगे गए हैं रनिंग करते हुए, छुट्टी है बच्चों का तो मस्ती कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं हम लोग गायत्री मंदिर के बगल में आ चुके हैं, इसके बाद दोस्तों आए थे 8 दिन पहले तो बारिश हो रहा था, तो गायत्री मंदिर के अंदर हम लोग छुपे हुए थे बारिश से बचने के लिए, उसके बाद गांव का ये गाड़ी मिल गया था यहाँ, और उसमें बैठ के हम लोग निकल गए थे, का हो खुली ना आई दोस्तों, देख रहे ये है गायत्री मंदिर, चलिए दोस्तों लोग गायत्री मंदिर के अंदर पूरा बच्चे का वीडियो, ये है गायत्री मंदिर, आज आप लोग देख सकते हैं सब कुछ व्यवस्था किया गया है इधर, ये देखिए पल्ला खुला हुआ है, ये अंदर आप लोग देख सकते हैं व्यवस्था, यहाँ पर भंडारा होता रहता है, देखिए सारे लोग अंदर भी लोग मेहनत कर रहे हैं, चलो आओ लो चलो हम मंदिर अंदर दिखा दिया हम, पूरा खाली है, और जब पीछे होगा ये सब बाउंड्री लग गया, इसके बाद बाउंड्री लग रहा है, इधर देख सकते हैं सरकारी कल भी यहाँ पर है, आके उधर कल है, 2 कल है यहाँ पर, फिर देखें सरकारी कल था माता गायत्री मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, देखो गाड़ी आता सामने, देखिए सूर्य उदय हो चुके हैं, जय हो सूर्य, गाड़ी चल रही है दोस्तों, तो दोस्तों 6:30 बजे सूर्य उदय हुए हैं, यहाँ करीब करीब दोस्तों 1 घंटा दिन बढ़ चुका है, ये देख सकते हैं पेड़ पौधा एक भी पत्ता दिख नहीं रहा है, मालूम पड़ा कि सब कुछ सूख गया है, इधर देख सकते हैं सब खाली है, इस पर हम लोग रनिंग करते थे, अभी गेहूं हुआ नहीं, जल्दी गेहूं भी हो जाएगा, अरे पर नहीं वो काटा गड़ गया बही नहीं हुई, इधर पेड़वा झूला गया, देखा नहीं बेटा झूला गया पेड़वा, इधर देख सकते हैं सारे लोग इधर मेहनत कर रहे हैं, देखिए लोग कौन है गाँव के हैं कोई और है,
ये अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, धीमे धीमे बच्चे बढ़ेंगे, देखते हैं कब तक बच्चे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बच्चे रनिंग करके आ चुके हैं, और हम लोग रनिंग कर लिए हैं, टहल लिए हैं, 7:15 हो गया दोस्तों। तो आज संडे है, अब बच्चों का शाम को ट्यूशन यानी कोचिंग जाती है, पर कल भी छुट्टी था तो आज भी छुट्टी है। कल 9 बजे लोग सुबह में गए थे, आज उनके टीचर 8 बजे बुलाए हैं कोचिंग के लिए, इसलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि 7:15 हो गया है, अभी जाते हुए 15-20 मिनट लगेगा बच्चे कहने की कोचिंग जाना पापा चली गई। तो दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ कोचिंग के लिए, आप लोग घर से मैं फिर से वीडियो बना के दिखाता हूँ, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, ऊपर चल रहे हैं दोस्तों। अभी मांग के चलिए, अभी हम लोग यहाँ आगे इसमें खोले उठा गए, गाड़ी चल रही है आराम से ना बेटा, अब आराम से। दोस्तों देखिए सारे बच्चे आ गए हैं, आज बच्चों को खूब मस्ती किए हैं, रनिंग किए हैं, अब कहीं फिर इन लोगों को जब स्कूल का छुट्टी होता अभी खेलेंगे है दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, अभी ये रास्ता कटा हुआ है, अभी देखिए कब तक रास्ता बनता है। अरे कहाँ लग जाए कूदा मत लोग, लोग फोर लेन क्रॉस करके इधर आ चुके हैं सारे लोग। देखिए आंस पीछे है, कृष्णा है, और इधर अंकुश है, आप हम लोग चल रहे हैं घर दोस्तों, अभी बड़ा सोच करना बाकी है। हम लोग आ चुके हैं गांव में, इधर देख सकते हैं टेंट वेंट लगा है दोस्तों, ब्रह्मभोज था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, देख सकते थे गाँव की एक अंकुश आगे आगे चल रहा है। आज शाम देखिए आग जला हुआ है, सुबह सुबह दोस्तों ठंड है, जिसमें खाने का व्यवस्था हट किया गया था, सारे लोग हैं देखिए, अभी टंकी खबानी हुई है। ये हमारा प्यारा सा गांव है, इसी रास्ते हम लोग घर जाएंगे। ठंड के साथ दोस्तों सर सब ठंड लगा काफ़ी, और हम लोग निकल रहे हैं, आज जल्दी घर पहुँच जाएंगे। ए अंकुश बहुत तेज चलते हो, अभी छुट रहा था, अभी इसलिए गेहूँ लेके आया हूँ, अभी धोया जाएगा इसको और सुखाने के दोस्तों, पिसान पिसाने के लिए पहले गेहूँ को अब धोया जाएगा क्योंकि दवाई वाई उसमें पड़ा है, आज 2-3 पानी धोकर सुखाया जाएगा, 2 दिन सुखाने के बाद तब कहीं लेके चलूँगा मशीन पर, काफ़ी हफरी आ रहा है। समय हो चुका है, 9:30 हो गया है, आज लेट हूँ तो अब चलता हूँ दोस्तों दुकान पर, और तब तक दोस्तों बाय बाय, एक नए ब्लॉग में तब से मिला जाएगा, ऐसा नहीं हो चुका धाली लौटी। अच्छा चलिए दोस्तों अब चल रहा हूँ दुकान पर, समय भी हो चुका है, एक नए ब्लॉग में फिर से मिला जाएगा, तब तक दोस्तों बाय बाय।